हेलो सर, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, आज जो है हम लोग आए हैं अपनी फिल्म जो है मुकद्दर का सिकंदर को देखने। और ये फिल्म लगी है राम मंदिर के जो है मूवी स्टार में लगी हुई है और बहुत ही अच्छी प्यारी मूवी बनी है। आप लोगों को बता दूं कि जो है भोजपुरी की मतलब ना के बराबर फिल्म है, रेयर फिल्म है, शायद कोई फिल्म लगती है मल्टीप्लेक्स में। तो मेरा ये बोलने का उद्देश्य यही था कि अगर हम लोग चाहें तो अगर अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छा सब्जेक्ट को लेकर बनाएं, तो मुझे लगता है कि हमारी फिल्में जो है मल्टीप्लेक्स में भी लगेंगी। तो उसके लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत करना पड़ेगा और अच्छी फिल्म बनाना पड़ेगा। और हम हिम्मत करेंगे, साहस करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्सों में नहीं लगेंगी। तो ये बहुत उपलब्धि है। और हमारे जो है डायरेक्टर और हमारे प्रोड्यूसर जो वसीम भाई हैं, हमारे जो है डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी हैं, तो ये दोनों बधाई की पात्र हैं। और ख़ासतौर से जो है मैं वसीम भाई को जय से शुक्रिया करूँगा, क्योंकि वो इससे पहले भी फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर, उसको भी उन्होंने मल्टीप्लेक्स में लगवाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छी फिल्म बनाएँ और जो है थोड़ी सी हिम्मत करें तो हमारी फिल्म भी मल्टीप्लेक्स में लगेंगी। देखिए, सबसे बड़ी बहुत खुशी की बात हो रही है, मेरे साथ अयाज खान है जो इस समय टॉप बेस्ट विलेन है भोजपुरी में, और संतोष मिश्रा ने बेहतरीन फिल्म बनाई है और वसीम खान ने उसको साहस दिया इतना, 11 साल से वो इस पर संघर्ष कर रहे थे और ये फिल्म बनी नहीं थी, तो किसी तरह ये फिल्म बनी है। एस के फिल्म प्रोडक्शन पर बनकर तैयार हुई और वसीम खान ने इस पर ये सबसे बड़ा साहस दिखाया कि मल्टीप्लेक्स में फिल्म लगाई। जैसा कि अयाज भाई बता रहे हैं, आज इतनी खुशी हो रही है मुझे कि एक तरफ बागी 3 का पोस्टर लगा हुआ है इतना बड़ा सा, और एक तरफ हमारी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का लगा हुआ है। तो सही बात है, अगर बेहतरीन फिल्म बनाई जाए, अच्छी फिल्म बनाई जाए, तो ऑडियंस जरूर आएगी, मल्टीप्लेक्स में भी आएगी। मुझे लगता है कि मुकद्दर का सिकंदर लगी है, बागी लगी है, तमाशा लगा है, और मुझे लगता है कि 3-4 फिल्में लगी हुई तो बड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी अचीवमेंट है और हम सब के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए खुशी की बात है कि हमारी फिल्में जो है ग्रो कर रही हैं, अपग्रेड हो रही हैं। बस मैं यही चाहूँगा आप लोगों से और अपने दर्शकों से कि ऐसी जो है भोजपुरी फिल्में आप लोग देखते रहिए, और हम लोग की कोशिश रहेगी कि अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहें और आप लोग पहुँचाते रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज, लव यू ऑल। ओके, थैंक यू सर। ये लोग नहीं समझ रहे, हम हमें बताया था आ गए लोग, एक वीडियो ने ऐसे जाने का सब है ना। एक्चुअली क्या है, कल सब बढ़िया, सब कॉन्ग्रेचुलेशन माइक।